तेरा नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों, क्या हुआ, वो आई थी सुबह, क्या बोली? प्रॉब्लम यही कि तू बात नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट। क्या प्रॉब्लम, क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए, बिकॉज़ इज इन दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है, मन करता है मुंह में कुछ छू दूं। ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां? रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन एंड टू योर ओन हैप्पीनेस। इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी तुम्हारा भी न्यू ईयर था। इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता। अ हैप्पी वुमन इज अ मिथ। तू बैटमैन वाली को देख ले, साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो, ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हूँ। जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया, उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए, अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। सब साला ना कहानियों का दोष है। ब्लडी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला, एक लड़का एक लड़की, दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म। इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता, इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ। इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हग नहीं किया तो प्रॉब्लम, हग किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता। साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी, पहले कुशन आए फिर कर्टेन आए, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किया तो और कुशन आए। साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए। एक तो जो चीज खरीदने जाएंगे वो चीज खरीद के नहीं आएंगे, 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी टेबल लेना है टेबल लेना है, 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी से चप्पल उठा के ले आएंगे, और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी टेबल लेना है टेबल लेना है। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा, फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता। कितना मुश्किल है बात समझना, 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा, मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं। और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक। सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस मोबाइल फोन ने किए, कतई घटिया इन्वेंशन है साली, कॉन्स्पिरेसी है पट्टा है साला पट्टा। एक तो उनके ऐड भी देखो ना, लो जी 1 पैसे पर सेकंड, और फोन करो और फोन करो। अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती करने को, फिर इसका जवाब उन्हें भी दो कि तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को, यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी, तुम्हें हूँ हूँ ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया। अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया, जाके भारती मित्तल से पूछना। तुझे मैं बता रहा हूँ उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुत्तिया है, सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ। व्हेरेवर यू गो वी फॉलो। तुझे क्या लगता है कोलम उसको पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया? नहीं, उसको पता था, वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था, बीवी के चक्कर में बोलना पड़ा इंडिया जा रहा हूँ, नहीं तो 10 सवाल पूछती, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो, आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया। ऑफिस में काम कर रहा हूँ, SMS आ जाएगा आई लव यू, ठीक है मैं भी SMS कर देता हूँ आई लव यू टू। इसके बाद SMS पे SMS शुरू। अबे काम क्या करती है ऑफिस में, 2 SMS का रिप्लाई मत करना, तुरंत फोन आएगा, फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर, एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन। अब पता चला ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं, और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते, बिकॉज दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस। ना लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन ऑल्सो देयर इज अ वुमन। और ये तो कोई भी बता सकता है ना कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में। साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी, अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूँ, फिर साले घर जाओ पहले इन्हें मनाओ इन्हें खिलाओ, इनके बाद खुद की भूख तो वैसी मर जाती है। इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है ना चुपचाप, तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ, क्या सोच रहा हूँ कैमरा लगा दूँ दिमाग में। इस सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक, आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर। मैं तुझे बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन, बिकॉज दे कॉल इट अ डिस्कशन बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता, बिकॉज हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्ग्यूमेंट। लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस इसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्ग्यूमेंट कैसे हार जाए। एक तो आज की बात पे आर्ग्यूमेंट आज होगा ही नहीं, आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद, यहाँ साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था। लड़कियां बचा के रखती है, ये छोटा हथियार नहीं ये बड़ा हथियार है, इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे। अरे तू कभी ट्राई कर लियो खुद को सही साबित करने की, तुझे लग ही रहा होगा कि इस पॉइंट से तो अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो, तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, एंड सडनली द होल आर्ग्यूमेंट विल फ्लश डाउन द गटर, और मुद्दा ये रह जाएगा हाउ डेयर यू पॉइंट अ फिंगर एट मी, किसने बनाए रूल, किसने, चला वो बीच आर्ग्यूमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत।
शादी के पहले वो नागिन मीन क्यों बचता है? क्यों बचता है? क्योंकि ना बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में। इनका सिग्नेचर ट्यून है वो। अब ये बता, वो क्या करने आई थी तेरे पास यहाँ? सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी, अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो? Why don't you go and sleep with her? It's ridiculous, यार। वो उंगली वाला मेरे साथ भी हुआ है।